हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पहला एपिसोड है। क्या है? पहला एपिसोड। अब ऐसे कितने एपिसोड्स बनेंगे आई डोंट नो। शेयर मार्केट को अपन बेसिक लेवल से, इतनी बेसिक लेवल की जिसको एक छोटा बच्चा जो 15 साल का होगा वो भी सीख सकता है। मतलब इतनी बेसिक लेवल से ये स्टेप्स चालू होंगे और धीरे धीरे करते करते सीढ़ी बाय सीढ़ी अपन इसको एडवांस लेते जाएंगे। आप लोगों को क्या करना है, हर एक वीडियो का हर एक टॉपिक को सीखना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आज जो सिखा रहा हूं या अगले एपिसोड जो सिखाऊंगा आपको, एपिसोड के जो सबसे लास्ट वाली जो फाइनल सीरीज होगी उसके अंदर ये सारी चीजें मिक्स होकर काम आएगी। ये बात याद रखना, ओके? बहुत एडवांस लेवल पे चलेंगे। हाँ बिल्कुल, जिंदगी में कभी किसी का पेड कोर्स खरीदना नहीं है, ठीक है ना? कोई टिप्स नहीं है, खुद के दम पे बढ़ो, कॉपी पेन ले, नोट बनाना है, यह बात ध्यान रखना, और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक भी कर देना, हाँ कमेंट तो जरूर करना है, जो जो सीख रहे हैं ना हाजिरी लगाना है, ये थोड़ा अपने भाई के लिए तो कर देना। चलो अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये है एपिसोड नंबर 1, ओके? अब एपिसोड 1 में क्या क्या होने वाला है, मैंने बोला ना बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इतना मजा आने वाला है। चलो भाई क्या है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज शेयर मार्केट, शेयर मार्केट क्या है? ओके ग्रेट, हाँ शेयर मार्केट क्या है भाई, इसको अपन एक ना अलग लेवल के एग्जांपल से समझते हैं। देखो एक लड़का है, जैसे कि अपना ये भानु है, ठीक है ना? भानु के पास क्या पड़ा है, 50,000 पड़ा है। भानु बोला यार एक तोड़ा सोना लेना है, इसको सोना वैसे भी बहुत पसंद है सोने वाला नहीं। तो अब क्या है कि ये शॉप पे गया और इसने ना 10 मतलब एक तोड़ा सोना खरीद लिया 50,000 रुपए में, ठीक है? अब क्या हुआ, नेक्स्ट देखो सोने की प्राइस भाई साहब 60,000 पहुंच गई, ओके? तो भानु बोला यार मेरे को तो अब चाहिए ही नहीं, एक काम करते हैं, मेरे को तो पैसा चाहिए, प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसने क्या करा, पहले 50,000 में खरीदा सोना और 60,000 रुपए में बेच दिया, ओके? तो फायदा कितना हुआ, 10,000 रुपए। अब 10,000 का क्या करेगा, 10,000 का ये मोबाइल लेके आएगा ओके तो आप देख सकते हो ना कि यहाँ पे एक जो भानु नाम का जो लड़का है उसको हो गया 10,000 रुपए का प्रॉफिट, ओके? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मतलब बाई किया और सेल कर दिया, यही तो शेयर मार्केट है, यही तो ऐसा ही होता है शेयर मार्केट में। थोड़ा आगे और एग्जांपल से समझाता हूँ। अब आप इस चीज को और अच्छे से समझो, शेयर मार्केट में क्या होता है, एक कंपनी होती है, जैसे मेरा नाम आदित्य जैन है और मेरी कंपनी का नाम है मेंटोर आदित्य जैन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। तो क्या होता है, ये जितनी भी प्राइवेट कंपनीज होती है उनका क्या होता है कि इक्विटीज होती है 100%। मतलब आप स्क्रीन पर देखिए, एक पिज्जा का स्लाइस समझ लीजिए और इसके 100 स्लाइस ऐसा समझ लो, ओके? अब ये स्लाइस क्या है पिज्जा के, जो है ये आप जैसे एक आदमी को दे दिया, ले भाई मेरे को पैसे दे दे, ये तू खा ले, ये ले ले, तो पब्लिक क्या करती है कि पैसा देती है और स्लाइस ले लेती है। मतलब कि आप उसको ये समझो कि कंपनी जो है उसके जो शेयर्स हैं, ओके? कंपनी क्या होती है, इक्विटी के फॉर्म में होती है पूरी, ओके? गवर्नमेंट की वेबसाइट पर। तो क्या होता है, वो एक शेयर एक आदमी खरीदता है तो वो पैसे ले लेगा और वो उसकी ओनरशिप हो गई, मतलब, ओके? जैसे ये आईफोन है भाई, ओके? अब आईफोन है, ये पूरी बड़ी एप्पल कंपनी, इसका एक ये शेयर समझ लीजिए ऐसे आप। तो भाई मैंने इसका एक शेयर खरीद लिया 60,000 रुपए में, ओके ये शेयर मेरा हो गया, मतलब मैं इसका ओनर बन गया। तो इसी तरह से आप किसी भी कंपनी में अगर आप शेयर्स को जब बाई करोगे ना तो आप उस कंपनी के मालिक बन जाओगे। अब आप कितने शेयर्स खरीदते हो वो आपके ऊपर है, ओके? चलो आपको थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। अब आईपीओ क्या होता है शेयर मार्केट के अंदर, है ना? ये एक इनिशियल चीज होती है। बहुत लोग सोचते हैं अरे आईपीओ में पैसा लगाओ, आईपीओ में पैसा लगाओ। आप बैंक में भी जाते हो ना, बैंक वाले जो होते हैं एम्प्लॉयज, वो भी पीछे, सर आईपीओ आने वाला है, आपका बहुत पैसा कमा के देंगे हम आपको। वो क्या चीज है भाई, देखो ये देखो, आईपीओ एक्चुअली क्या होता है, कोई भी कंपनी है, जैसे कि आज मेरी कंपनी के ऊपर एग्जांपल दूं तो मेंटोर आदित्य जैन एकेडमी अगर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होना चाहती है, मतलब स्टॉक मार्केट में आना चाहती है, मतलब मैं कह रहा हूं मेरे पास मेरी कंपनी के 100 शेयर हैं, मैं चाहता हूं 20 शेयर पब्लिक को दे दूं और मुझे फंडिंग रेज हो जाए, भाई पैसा आएगा तभी तो काम करेंगे ना। तो उसी तरह से आप वापस स्क्रीन पर देखिए, एक प्राइवेट कंपनी क्या करती है, एक्सचेंज के पास जाती है। एक्सचेंज कौन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो मूवीज में आप देखते होंगे बड़ी बड़ी, वो मतलब आपने मुंबई वाली शेयर मार्केट की जब भी आपने देखी होगी ना, एक वो पट्टी चलती रहती है, वो एक्सचेंज है एक्चुअली, ओके? क्या है एक्सचेंज, वहां पे ना जैसे मैं मेंटोर आदित्य जैन एकेडमी का मालिक हूँ, ये मेरी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लिए, मैंने बोला भाई साहब ये मेरी कंपनी के डॉक्यूमेंट है, मुझे शेयर मार्केट में लिस्टेड कर दो, वो लोग चेक वेक करेंगे, सेबी वगैरह चेक करती है, और फिर क्या होती है कि जहाँ जी अप्रूव्ड हो गया और वो पब्लिक के अंदर एक निकाल देती है, क्या निकालती है कि पब्लिक मतलब आईपीओ,
ताकि मैं पब्लिक से पैसा उठा सकूं। और मैं एक शेयर का प्राइस रख दूंगा भाई कि मुझे एक शेयर का प्राइस चाहिए 20 रुपए, ओके, एज पर दी कंपनी वैल्यूएशंस। तो फिर पब्लिक के अंदर ये चीज होती है, फिर पब्लिक क्या करती है, अपने मोबाइल से या बैंक वाले आप लोगों से पैसा लेके टिक कर देते हैं, हाँ जी आईपीओ में इसने फाइल लगा दी है, और जिसके फाइल खुल गई तो वह भाई वो कंपनी के शेयर उसके हो गए, और उसके कुछ दिनों बाद में कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है और नॉर्मल ट्रेड मारने लग जाती है, और फिर उसको कोई भी किसी भी रेट में खरीदे, ओके, ये आईपीओ होता है। आई होप आपको मैंने थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझाया होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्राइवेट कंपनी एक्सचेंज के पास जाती है, बोलती है हमें शेयर मार्केट में लिस्टेड कर दो, और वो फिर है ना लिस्टेड का जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो पब्लिक के अंदर नोटिफिकेशन चला जाता है ब्रोकर ऐप के थ्रू या बैंक के जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है आप इसे आईपीओ में पैसा लगा दो, कोई बंदा 15,000 रुपये लगा देता है, मोस्टली 15,000 रुपये मिनिमम चार्जेस होते हैं, ओके, एक लोट खरीद आता है उसमें, ओके, जैसे 100 बकेट्स होता है, मतलब 100 शेयर, 50 शेयर, 1,000 शेयर, वो कंपनी के ऊपर है, और है ना आप लोग पैसा देते हो और ये एक्सचेंज के पास जाता है पैसा, और वो प्राइवेट कंपनी के पास जाता है और प्राइवेट कंपनी आपको शेयर लिस्टेड करके दे देती है। अब आती बात की एक और जो एपिसोड 1 की एक और चीज है, इसके अंदर है व्हाट इज डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट क्या होता है भाई, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, देखते जाओ। जैसे ये आप स्क्रीन में देखो, ये आप आपके बैंक के अंदर आपका एक अकाउंट है और आपका क्या है पैसा पड़ा है, ठीक है, तो क्या है सेफ है, ओके भाई सबसे सेफ जगह तो बैंक को ही मानी जाती है फिलहाल, हाँ आज का जमाना बदल गया, ओके फिर भी, तो क्या हो गया कि आपका जो बैंक अकाउंट है ना, तो वो बैंक के अंदर पैसा पड़ा है, तो वो क्या है बैंक अकाउंट कहलाया जाता है, ओके, उसमें आप पैसे बचा के रख सकते हो। लेकिन शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट होता है, मतलब सामने देखिएगा, ये आप हो, आपने किसी ब्रोकर के पास गए, ओके, कोई ट्रस्टेबल ब्रोकर के पास मंगे, और आपने वैसे आजकल मोबाइल से खुल जाता है, आप पिंड कमेंट के अंदर देखना अपने खुद का ब्रोकरशिप है, आप उसके साथ में आप अकाउंट खोल लेना, थोड़ा इतना सा कर लेना गुरु दक्षिणा हाँ वापस आओ, देखो यू ये आप हो, ब्रोकर के पास आप गए और शेयर मार्केट का आपको एक डीमैट अकाउंट खोल के दे दिया जाएगा, और इस तरह से आपका एक शेयर मार्केट में आप शेयर जो परचेस करोगे ना, अब जैसे आपने एप्पल का शेयर परचेस किया तो वो आपके डीमैट अकाउंट में पड़ा रहेगा, ओके ऐसा होगा। पहले के जमाने में क्या होता था कि डिलीवरी की स्लिप्स आती थी, ओके, लेकिन आजकल क्या होता है मोबाइल के अंदर ही सारा सब कुछ आ जाता है, ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ओके, पिंड कमेंट के अंदर देख लेना, मैं एक लिंक डाल दूंगा, ओके, डीमैट अकाउंट अपन ओपन कर लेना, सबसे ट्रस्टेबल ब्रोकर के साथ में मैं काम कर रहा हूं ऑलरेडी, ओके, धन नाम है उसका, आप पिंड कमेंट में जाओ टिक करो और डीमैट अकाउंट खोलो और फिर पैसा कमाओ। और वैसे भी ये सीरीज जो चालू हो रही है ना, इस सीरीज के अंदर मैं सारा का सारा बहुत सारे पेड टूल्स आते हैं वो सारे मैं ब्रोकर के अंदर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दूंगा। अब आती बात की शेयर एनालिसिस क्या होती है, अब आप ये देखेंगे शेयर एनालिसिस, अरे क्या बात है यार, देखो शेयर मार्केट में शेयर सट्टा नहीं है, मेरी बात सुनो, सट्टा नहीं है, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको प्रेडिक्शन लगानी पड़ेगी, एक टेक्निक्स होती है अलग अलग, वो सारी टेक्निक्स से तो मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको जिंदगी में कभी किसी ब्रोकर के पास में या किसी एडवाइजरी के चक्कर में आप फंसोगे नहीं, इतने सारे स्कैम हो रहे हैं आप बचोगे कैसे, आपको खुद को आता है आप उसको बोलोगे भाई निकल जा पहली फुर्सत में, ये तो बोलोगे। तो अब देखो मेरी बात यहाँ से सुनना, फंडामेंटल एनालिसिस शेयर मार्केट में 3-4 तरह के एनालिसिस होते हैं, ओके, साइकोलॉजिकल एनालिसिस, ट्रैप एनालिसिस, ये आपके काम की चीज नहीं है, आगे के सिलेबस में आपके साथ कवर करूंगा, अभी मेन दो एनालिसिस है, एक तो थे फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब किसी कंपनी का पीएनएल क्या है, बैलेंस शीट क्या है, कंपनी के पास कैश कितना पड़ा है क्या नहीं है, उसके कितने लोन है, कितनी उधारी है, देसी भाषा में ये, तो उसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, ओके, ये एनालिसिस करना भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अब आप आगे देखो, एक होते टेक्निकल एनालिसिस, मतलब आपको ये फंडामेंटल से मतलब नहीं है, इसमें आप लाइनें वाइने खींचोगे भाई, और ये लाइनें खींचने भी मैं सिखाऊंगा आने वाले एपिसोड्स में, ओके, कहां पे बाय करना है, किस लॉजिक से बाय करना है, किस लॉजिक से सेल करना है, ओके, तो इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, ओके, तो मैं आपको क्या सिखाऊंगा, टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊंगा, ओके, तो अभी तो ये बेसिक एपिसोड है, तो मैं आपको जान पहचान करा रहा हूं ना, तो धीरे 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 आपकी लेवल इतनी अपग्रेड हो जाएगी, मैं सच बोल रहा हूं भाई, इंटरनेट के ऊपर ऐसी तो कोई एपिसोड होंगे नहीं, ओके, जो लाइन टू लाइन मैं सिखा रहा हूं पूरा पेड कंटेंट, 1 रुपये किसी को देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, स्कैम से बचना है आपको, ओके, और इस जो मैं मुहिम चला रहा हूं उसमें आप सबको सपोर्ट करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर जरूर करना है, ओके, आप बोल देना कि आदित्य सर मेरे गुरु हैं या मतलब फ्रेंड है, जो भी आपको जो आप मुझे बोलते हैं, मुझे तो कोई फ्रेंड भी बोलता है, कोई गुरुजी बोलता है, कोई तो मतलब बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट देता है, तो प्लीज़ आप अपने सब जगह पर यह चीज़ फैला दो। ये एपिसोड 1 है, ओके, अब आपको दिखाते हैं आगे, अब ये एपिसोड तो खत्म हो गया, अब एपिसोड 2 आएगा, एपिसोड 2 में आपको आएगा अब मजा,
जिसको पहले से शेयर मार्केट आता है उसको तो नॉर्मल लग रहा है। आप लोग नोट्स बना रहे हो ना, मैं सीरियसली बोलो, एक बार कमेंट करके बता दो नोट्स कौन कौन बना रहा है। और नोट्स बनाना है ए से लेकर जेड तक, जितना एपिसोड हो भाई, मैं तो कह रहा हूँ 1000 एपिसोड हो, बात खत्म, आपको तो सीखने को मिल रहा है ना। तो वो सारे एपिसोड्स के आपको नोटबुक के अंदर नोट्स बनाने हैं, ये बात ध्यान रखना, पता है ये बड़े काम आने वाले हैं। ओके, मैं नोट्स क्यों करवाना हूं, क्योंकि आप जब तक लिखोगे नहीं ना, जब तक याद नहीं होगा। चलो अपन मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, 1 या 2 दिन के अंदर ये एपिसोड नेक्स्ट वाला आपको भी मिल जाएगा।